नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा पतंजलि के 3 ताकत बढ़ाने वाली गोली के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर हमारे पास 3 तरह की गोली है। एक जो है वो वजन बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती है, दूसरी जो है वो मर्दाना कमजोरी को दूर करने में काफ़ी मदद करती है, और तीसरी जो है वो उसे बुजुर्ग ले सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए, या फिर वो वजन भी बढ़ाती है और मर्दाना कमजोरी भी दूर करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे इस 3 तरह के गोली के बारे में कि आपको कौन सी कंडीशन में कौन सी लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो के लिए हमारे जो लाइक का टारगेट है वो है 200, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी टारगेट आप पूरा कर दोगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास ये जो पहले कैप्सूल है उसके बारे में। तो हमारे पास जो पहली कैप्सूल है वो है पतंजलि की, ये अश्वगंधा कैप्सूल। तो अश्वगंधा कैप्सूल जो है वो 50 रुपीज़ की इसकी प्राइस है, जिसमें आपको ये जो है वो 50 रुपीज़ में 2 स्ट्रिप मिल जाती हैं, यानी कि 20 कैप्सूल मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट जो डाला गया है वो है 390 mg, और अश्वगंधा का जो पाउडर डाला गया है वो है 50 mg। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरी गोली कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी जो गोली है वो है ये पतंजलि की शिलाजीत कैप्सूल, जिसमें आपको शिलाजीत और आमला रसायन मिलता है। ये भी 85 की है, जिसमें आपको 20 स्ट्रिप मिल जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सी लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस तीसरी गोली के बारे में। तो ये जो तीसरी गोली है वो है पतंजलि की अश्वशिला कैप्सूल, जिसमें आपको अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों मिलता है। जैसे कि इसका नाम है अश्वशिला, तो इसमें अश्वगंधा भी है और शिलाजीत भी मौजूद है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार इन तीनों का जो है वो सेवन कैसे करना चाहिए, कौन सी तकलीफ में आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मेंशन है कि थकान एवं सामान्य दुर्बलता के लिए उपयोगी है, लेकिन अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वजन भी बढ़ाती है, कमजोरी दूर करती है, थकान दूर करती है और मांसपेशियों को मजबूत भी बनाती है। यानी कि अगर आप यंग हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तब आपको ये अश्वगंधा लेनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सेकंड गोली के बारे में। तो सेकंड गोली जो है वो है शिलाजीत। तो देखिए शिलाजीत यहाँ पर मेंशन है कि सामान्य दुर्बलता एवं मूत्र विकार के लिए उपयोगी होती है, लेकिन शिलाजीत जो है वो सामान्य कमजोरी, शारीरिक कमजोरी यानी कि मर्दाना कमजोरी, मूत्र विकार में फायदेमंद है। ये केवल वजन ना बढ़ाकर सिर्फ फिट रहना चाहते हैं तो आप ये शिलाजीत ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप अश्वगंधा ले लीजिए, लेकिन अगर आपको वजन नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फिट रहना है, मर्दाना कमजोरी को दूर करना है, तब आपको ये शिलाजीत लेनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अश्वशिला किसको लेनी चाहिए। तो देखिए अश्वशिला जो है उसमें अश्वगंधा भी है, शिलाजीत है। तो जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको अक्सर वीकनेस देखने को मिलती हैं, तो ये अश्वशिला ले सकते हैं, जिससे उनकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, थकान भी दूर रहेगी, मांसपेशियां भी मजबूत बनेगी। इसके अलावा बड़ों में आप अक्सर देखा जाता है कि मूत्र विकार जो है वो देखे जाते हैं, सामान्य कमजोरी देखी जाती है। तो ये जो है जो लोग बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनको ये अश्वशिला लेनी चाहिए।